राम राम दोस्तों, और स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में और हमारे चैनल पे। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम लोगों ने यहाँ पे जर्मनी में आके जो कल्चरल शॉक या जो कल्चरल डिफरेंसेस हमारे इंडिया की तरफ से हमें महसूस हुए, या यहाँ पे रहने के बाद हमें जो चीज़ें देखी है, जो कल्चरल चीज़ें डिफरेंसेस है इंडिया और जर्मनी के अकॉर्डिंग, तो हम लोग उसके बारे में आज बात करेंगे। और मेरे साथ है अथर्व। अथर्व, वेलकम टू आवर चैनल एंड वेलकम टू द वीडियो। सो हाय, मेरा नाम अथर्व है और मुझे अभी जर्मनी आके 2-3 मंथ ही हुए, तो उस हिसाब से हम ये वीडियो बना रहे। ये वीडियो जर्मनी और इंडिया का कंपैरिजन करने के लिए नहीं बना रहे, लेकिन जैसा हम लोगों ने आज तक देखा उस हिसाब से हम आपको बोल रहे। तो इस वीडियो में हम लोग किसी की, यानी कि इंडिया और जर्मनी का, वही जो इसने बोला कि हम लोग किसी को डिफेम करना नहीं चाहते, जो हमारे एक्सपीरियंसेस है वो जस्ट आपसे, आपके साथ शेयर करेंगे हम लोग। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बने रहिए हमारे साथ आखिर तक। जो पॉइंट्स हम लोग बताने जा रहे हैं तो एक एक करके हम लोग अभी उसके ऊपर बात करेंगे। चलो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहला पॉइंट जर्मनी में पानी का है। तो अपने इंडिया में जैसे देखा जाए तो पानी ईजिली अवेलेबल है, और अगर शॉप्स में भी गए तो 10-20 रुपये में 1 लीटर पानी की बॉटल मिल जाती है। नहीं तो बहुत से जगह पे समर में तो हम लोग देखते हैं कि फ्रीली पानी लोग अवेलेबल करके देते हैं, लेकिन जर्मनी में थोड़ा सा सिस्टम अलग है। तो जर्मनी में हमने जो देखा है कि नॉर्मली यहाँ पे टैप वाटर सिस्टम चलता है, तो आपको जो पानी है पीने वाला तो आप टैप वाटर से भी पी सकते हो डायरेक्टली। एंड यहाँ पे तीन, मैंने जो देखा है कि अलग अलग प्रकार के वाटर भी मिलते हैं, जैसे स्पार्कलिंग वाटर होता है या फिर नॉर्मल वाटर, स्पार्कलिंग वाटर। एंड जो अगर आप उसको शॉप में से खरीदोगे तो वो कॉस्टली होता है। तो पीने का जो पानी यहाँ पे है, जो ड्रिंकिंग वाटर जो है, वो आप टैप वाटर भी पी सकते हो, यानी कि जो घर का नल होता है उससे भी आप डायरेक्टली पानी पी सकते हो। मेरे साथ एक चीज़ हुई थी, जैसे मैं फर्स्ट टाइम अराइव हुआ एयरपोर्ट में, तो मेरी वाइफ थी, तो मेरी वाइफ ने कहा, वो ऑलरेडी 6 महीने पहले आई थी, तो उनको पता था यहाँ का सिस्टम। तो जैसे उन्होंने, मैंने पहली बार देखा, और हम लोग जैसे स्टूडेंट थे तो हम लोग पानी लेने के लिए एयरपोर्ट पे पैसे, हाँ हम लोग पैसे थोड़ा बचाने के चक्कर में हम लोग सोच रहे थे। तो वाइफ ने बोला कि पानी आप टॉयलेट में से या कहीं पे भी जो टैप वाटर मिलेगा वहाँ पे ले लो। तो वही मैं कहना चाहता हूँ, तो यहाँ पे ये काफ़ी कॉमन है कि आप टैप वाटर पानी पी रहे हो, जैसे डायरेक्टली नल जो चालू करेंगे घर का उससे आप पानी पी सकते हो। तो यही चीज़ मुझे, मेरे लिए एक कल्चरल शॉक थी कि टैप वाटर हम लोग डायरेक्टली पी सकते हैं, ना कि कोई एक्वागार्ड या आरओ या फिल्टर्ड वाटर नहीं है यहाँ पे। तो ये एक शॉक मुझे लगा। तो अगला जो कल्चरल शॉक मुझे लगा और हमें भी लगा वो था वॉशरूम रिलेटेड, क्योंकि अगर इंडिया में देखा जाए तो ईजिली वॉशरूम्स अवेलेबल है और फ्री भी है। मॉल में जाओ या रस्ते पे भी जाओ तो ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर के रेंज में अपने को वॉशरूम मिल जाता है, और वो फ्री रहता है हर इंसान के लिए। लेकिन जर्मनी में थोड़ा सिस्टम अलग है, बहुत अलग है। यस, तो जर्मनी में हमने जो देखा है, जर्मनी में आपको हमेशा 1 यूरो या फिर 50 सेंट आपको पे करने पड़ते हैं जहाँ पे भी आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ कर रहे हो। आप अगर हाईवेज पे हो या कहीं पे ट्रेन स्टेशन पे हो या मॉल में हो, शॉपिंग मॉल में, तो आपको 1 यूरो या 50 सेंट, जो भी वहाँ का सिस्टम है, वैसे आपको पे करना पड़ता है और टॉयलेट यूज़ करना पड़ता है। लेकिन अगर ट्रेन में वॉशरूम यूज़ करो तो ट्रेन में वॉशरूम फ्री रहे। हाँ, ट्रेन में वॉशरूम फ्री होता है, बट वही है, मतलब अगर पब्लिक प्लेसेस आप देखे जाओगे तो पब्लिक प्लेसेस में आपको पे करना पड़ता है। तो ये एक कल्चरल शॉक हमारे लिए था, क्योंकि इंडिया में हमें काफी आसानी से या फ्री, तो अपने को लगता है कि चलो जाके आते हैं, लेकिन यहाँ पे सोचना पड़ता है सच में जाने का। तो अगर आप जर्मनी में आ रहे हो तो आपको आपके जेब में हमेशा थोड़े बहुत चिल्लर रखने पड़ेंगे, जिससे कि आपको टॉयलेट यूज करने के लिए जा सकते हो। तो अगला जो पॉइंट था वो मैरिज रिलेटेड था, क्योंकि अगर इंडिया में देखा जाए तो शादी मतलब एक त्योहार रहता है, ऑलमोस्ट 1 वीक तक चलता है। 1 दिन हल्दी रहता है, उसके बाद विदाई, उसके बाद शादी के बाद की बहुत रस्में रहती है, तो वो प्रोग्राम ज़्यादा रहते हैं शादी के लिए, और एक बहुत बड़ा फंक्शन रहता है, रिलेटिव्स आते हैं। ऑलमोस्ट देखा जाए तो मिनिमम 500 लोग तो शादियों में आते हैं, लेकिन जर्मनी में ज़्यादा भी आते हैं जर्मनी में नहीं आते। तो जर्मनी में हमने जो देखा है, मैंने एक्चुअली, मेरे एक फ्रेंड की वेडिंग अटेंड की थी, यहाँ पे आपको मैक्सिमम
20 या 30 लोग दिखेंगे जो काफी क्लोज्ड वन होते हैं फैमिलीज के, उनको ही यहाँ पे इनवाइट मिलता है। ऐसे नहीं कि जस्ट एक हमारा दोस्त है तो उसको बुला लो, इसको बुला लो, दोस्त का दोस्त बुला लो, या जैसे हमने मेरी खुद की शादी में हम लोग ने इंडिया में काफी लोग आए हुए थे, 1000-1500 लोग आते हैं, और जो कि काफी नॉर्मल है हमारे यहाँ पे। बट यहाँ पे जर्मनी में वैसा नहीं होता है। जर्मनी में लोग मैरिजेस जो होते हैं वो काफी शॉर्ट होते हैं एंड कम टाइम फ्रेम के होते हैं, और उनका सब खत्म हो जाता है। यस, एक ही दिन का जैसे फंक्शन होता है, जाते हैं वहाँ पे एक चर्च में, वो उनका जो रिचुअल्स होते हैं वो करते हैं एंड देन वही मतलब। बट वही है कहने का पॉइंट, हमारे मुझे मेरे लिए कल्चरल शॉक क्यों था, क्योंकि मैरिजेस इज लाइक कि हमारे लिए यहाँ पे बहुत बड़ा फंक्शन होता है, बहुत बड़ा त्यौहार होता है, काफ़ी लोग आते हैं, फैमिलीज काफ़ी आते हैं। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी नई लगी, और ये मेरे लिए एक कल्चरल शॉक था यहाँ के मैरिज सिस्टम। तो अगली जो चीज़ मुझे लगी, जो महसूस की, वो थी फैमिली रिगार्डिंग, क्योंकि अपने इंडिया में कैसा रहता है, बड़ी फैमिली रहती है, जॉइंट फैमिलीज रहती है। अभी थोड़ा देखा जाए तो जॉइंट फैमिलीज कम होते जा रहे हैं, लेकिन मोस्टली अपने इधर का फैमिली कल्चर अच्छा है। अपने अंकल आंटी ये सब लोग मिलजुल के रहते हैं, सब लोग एक घर में रहते हैं, लेकिन ग्रैंड पेरेंट्स भी रहते हैं। लेकिन जर्मनी में चीज़ें फैमिली रिलेटेड बहुत अलग है। तो वैसे भी अगर जॉइंट फैमिली भी नहीं रही तो फिर भी मम्मी पापा लड़का भाई बहन ये सब लोग मिलजुल के रहते हैं। तो जर्मनी में जो हमने महसूस किया है, यहाँ पे न्यूक्लियर फैमिली होते हैं एंड मम्मी पापा और जो चिल्ड्रंस होते हैं उनको एक दूसरे को मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। जैसे ही बच्चों के 18 ईयर्स कंप्लीट हो जाते हैं तो उसके बाद वो कहीं और स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए या फिर कहीं और जॉब के लिए निकल जाते हैं, और अगर उनको मिलना होता है तो अपॉइंटमेंट लेके मिलना होता है, जो कि मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था कि जैसे मेरी ही मम्मी पापा है और मेरे को उनके उनसे मिलने के लिए अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। बट यहाँ का वैसा कल्चर है एंड ये मेरे लिए शॉकिंग था। और एक जो चीज़ है वो फैमिली बिल्स की है। जैसे कि अगर देखा जाए तो अभी हम लोग जब इंडिया में रहते हैं हम भाई वगैरह सब खाने को जाते हैं, तो मोस्टली ऐसा रहता है अगर किसी का बर्थडे हो तो वो बिल पे करता है, नहीं तो फिर घर में जो सबसे बड़ा है। अभी मैं अगर मेरे भाई और भाभी के साथ गए तो मेरा भाई ऑब्वियसली मेरे पैसे भरेगा, नहीं तो फिर मेरे पापा पैसे भरेंगे। लेकिन यहाँ पर जर्मनी में थोड़ा सिस्टम अलग है। तो जर्मनी में हमने जो देखा है कि हस्बैंड एंड वाइफ अगर कहीं जाते हैं तो बिल्स स्प्लिट करते हैं, एंड फ्रेंड्स भी अगर जाते हैं तो ये बिल स्प्लिट का यहाँ पे सिस्टम होता है। तो बेसिकली मेरे लिए ये शॉक क्यों था, क्योंकि यहाँ पे मैंने देखा है कि अगर मैंने जो आइटम मैंने ऑर्डर किया है मैं उसका ही पैसा भरूंगा, और मेरे साथ जो कलीग है या फ्रेंड है वो उसका डिफरेंट बिल भरेगा। तो ये चीज़ें मेरे लिए थोड़ा डिफरेंट था। बेसिकली हम लोग डायरेक्टली या तो कोई पे करता है, और हम लोग अगली बार भरता हूं। करेक्ट, तो वही है, मतलब वहाँ पे अलग होता है थोड़ा सिस्टम, बट यहाँ पे आप जितना खाओगे उसका बिल पे करोगे एंड बिल्स यहाँ पे स्प्लिट जितना आप खा रहे हो उसके हिसाब से पे करना पड़ता है। तो ये एक मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। और एक पॉइंट मुझे ऐड करना है, आई डोंट नो इंडिया में यहाँ ये कैसा होता है। मेरे यहाँ मैं यहाँ पे जहाँ पे जिम में जाता हूँ तो जिम में मैंने ये चीज़ देखी है कि जो भी यहाँ पे सोना यूज़ करता है वो डायरेक्टली नेकेड होता है विदाउट एनी क्लोथ्स, एंड वो मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था, क्योंकि हमें आदत नहीं है ये सब चीज़ों की। और हम लोग जहाँ से मतलब इंडिया का कल्चर काफ़ी अलग है इन सब चीज़ों में, तो ये लोग ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड इनका ओपन है। और ये है कि गर्ल्स और बॉयज़ का सेक्शन अलग होता है, बट स्टिल बॉयज़ को भी नेकेड देखने की हमको तो आदत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था। तो अगला भी एक पॉइंट है कि किड्स बिफोर मैरिज वाला। तो अगर इंडिया में अपन देखा जाए तो स्टेप सिंपल रहते हैं, शादी करने की, शादी के बाद प्लानिंग करने का, और उसके हिसाब से फिर बच्चा या फैमिली वगैरह। लेकिन जर्मनी में नॉर्मल चीज़ें जो कि अभी अभिजीत आपको बताएगा उसने देखा है। तो बेसिकली मतलब वही है, जर्मनी का जो कल्चर है नॉर्मली यहाँ पे गर्लफ्रेंड्स होते लोग मतलब बॉयफ्रेंड्स एंड गर्लफ्रेंड्स वो भी बच्चा कर सकते हैं विदाउट मैरिज। एंड जी हाँ, सुनने के लिए थोड़ा शॉकिंग है हमारे लिए, बट यस यहाँ पे काफ़ी नॉर्मल है, बच्चा पहले हो जाता है एंड देन व्हेन दे बोथ डिसाइड कि हम लोग आगे चल के कहीं कभी मैरिज करेंगे या वैसे भी रह सकते हैं। सो ये इनके लिए काफ़ी नॉर्मल है, हस्बैंड एंड वाइफ होना ही पड़ता है। जैसे इंडिया में शादी के बिना बच्चा हो जाए तो कांड हो जाए, कंसीडर ही नहीं। तो शादी के बिना बच्चा इज लाइक कि नॉट पॉसिबल, डायरेक्ट नॉट पॉसिबल, बट यहाँ पे वो काफ़ी नॉर्मल है, और ये मेरे लिए काफ़ी शॉकिंग था बेसिकली।
तो और भी अगला जो पॉइंट है जो मैंने जब अभिजीत और मेरी भाभी काम कर रही तो वहाँ पे देखा, तो यहाँ पे पहला चीज़ है पंक्चुअलिटी का और दूसरा है कि वर्क लाइफ में जो यस नो रहता है, स्ट्रेट फॉरवर्डनेस ज़्यादा है। पहले अगर देखा जाए तो पंक्चुअलिटी का अगर देखेंगे तो यहाँ पे लोग बहुत पंक्चुअल है, मतलब क्लास का भी, अभी मैं भी स्टूडेंट हूँ तो जब मैं भी जाता हूँ तो अपने यहाँ इंडिया में कैसा, ठीक है थोड़ा 8 बजे क्लास है, 8:10 को आए, 8:15 को आए तो प्रोफेसर को बोल सकते हैं कि सर ये हो गया वो हो गया, लेकिन यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करता, 10-15 मिनट थोड़ा चलता है अपने यहाँ पे बफर टाइम रहता है। लेकिन जर्मन लोगों का कैसा है कि वो देखते हैं, ठीक है आज लेट आया, फर्स्ट लेक्चर था, इट्स ओके आज टॉलरेट कर लेंगे, लेकिन अगली बार आया तो वो लोग देखते हैं। क्योंकि मैंने देखा था, मेरा एक दोस्त था, वो एक कोर्स का हमारा लैब था, वो लैब को वो 15 मिनट लेट आया तो वो मैम ने सीधा उसको वो सब्जेक्ट ही अलॉट नहीं किया, उसने सीधा बोला कि अगर तेरे को टाइम पे आने को पॉसिबल नहीं है तो तू ये सब्जेक्ट ले ही मत, जब तेरे को अगले सेम में पॉसिबल होगा तब ले। तो वर्क वाला जो है पॉइंट मैं ज़्यादा बेहतर बता सकता हूँ क्योंकि मेरा ऑलमोस्ट यहाँ पे 5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस हो गया है। यहाँ पे सीधा एक चीज़ है मैंने जो देखी है, मुझे इंडिया में और जर्मनी में जो डिफरेंस लगा, हम लोग इंडिया में यस नो और कर देखता हूँ करता हूँ ये आंसर होता है हमेशा किसी भी टास्क के लिए। यहाँ पे स्ट्रेट फॉरवर्ड वो डायरेक्टली यस या नो में डील करते हैं, या तो आपको काम आएगा या तो आपको काम नहीं आएगा। आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैं देखता हूँ मैं करता हूँ, बिकॉज दे डोंट लाइक दीज आंसर्स। जर्मन्स को अगर आप काम में कोई भी काम आपको मिल रहा है या कोई भी काम आप कर रहे हो किसी जर्मन्स के साथ, तो उनका सीधा ये अप्रोच होता है, या तो आप यस बोलो या तो आप नहीं बोलो, दैट्स इट। यस नो के अलावा तीसरा आंसर उनको नहीं चाहिए। और एक जो चीज़ मुझे बतानी जरूरी लगती है कि जैसे ऑफिस टाइम के पॉइंट है, हमारे यहाँ पे ऑफिस 10-15 मिनट का बफर टाइम होता है, यहाँ पे वो बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पे आपको 8 बजे का अगर ऑफिस है तो आपको 8:05 पहले ही वहाँ पे रहना पड़ता है, और निकलते वक्त भी, मतलब जैसे वर्किंग आवर्स फ्लेक्सिबल होते हैं बट सुबह का टाइम या फिर कोई भी आपका अपॉइंटमेंट का टाइम है वो फिक्स होता है और आपको उस टाइम वहाँ पे रहना ही है। आप कोई भी रीज़न नहीं दे सकते हो, एक या दो बार आपको टॉलरेट किया जाएगा, उसके बाद स्ट्रेट फॉरवर्ड वो डायरेक्टली आपका अपॉइंटमेंट कैंसिल करेंगे। एंड दिस इज लिटिल बिट मेरे लिए कल्चरल शॉक है क्योंकि हमारी आदतें थोड़ी, मेरी आदत थोड़ी बुरी थी इंडिया में, यहाँ पे आके मेरा ये पॉइंट के ऊपर, मतलब टाइमिंग एंड पंक्चुअलिटी के ऊपर कभी टाइम पे नहीं हाँ वो थोड़ा है मेरा था, बट यहाँ पे मैं वो चीज़ से सीख रहा हूँ, अभी भी मैं सीख रहा हूँ और मैं ट्राई करता हूँ टाइम जो दिया गया है उसके ऊपर पंक्चुअल रहूँ। तो अगला पॉइंट ये है कि डेटा प्राइवेसी का है। अपने इंडिया में कैसा रहता है, रास्ते पे जा रहे हैं या कहीं पे घूमने गए, एक आधा वीडियो रिकॉर्ड कर लिया, उसमें कौन बंदे आ रहे हैं क्या आ रहे हैं अपन देखते नहीं ज़्यादा, और अगर बाइक पे भी जा रहे हैं किसी का स्नैप लेना हो फोटो लेना हो तो अपन ईजिली कैप्चर कर सकते, वो अपने को आदत लग गई है कि साइड सीनिंग लेने की। लेकिन जर्मनी में थोड़ा सोच समझ के लेना पड़ता है। तो जर्मनी में वही है, जर्मनी में आप डायरेक्ट किसी का फोटो नहीं ले सकते हो, वो काफ़ी ऑफेंड फील करते हैं, एंड जर्मन्स आर नॉट वेरी यूज टू फॉर द सोशल मीडिया, सो उनको सोशल मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं है, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मतलब मैक्सिमम लोगों को पसंद नहीं है। सो दे वॉन्ट टू बी ऑन सोशल मीडिया बट उनका फोटो या ये अगर आपको लेना है तो आपको कंसेंट लेना है। आप किसी का डायरेक्ट फोटो नहीं ले सकते हो एंड उनके लिए वो काफ़ी ऑकवर्ड सिचुएशन है, और हमारे लिए भी वो एक इट्स गुड प्रैक्टिस कि आप अगर किसी का फोटो लेना चाहते हो या कुछ concern. तो आप प्लीज कंसर्न लो, दिस इज गुड, बट वही आदत, हमें आदत नहीं है। तो ये मेरे लिए एक कल्चरल शॉक था। तो जैसे मैं एक एक बताना चाहता हूँ, मेरे साथ एक हुआ था सीन, मैं गया था एक शॉपिंग मॉल में, जैसे लिडल एक यहाँ पे शॉपिंग सुपरमार्केट है, तो सुपरमार्केट में मैंने एक ग्रेप्स का मुझे वीडियो बनाना था जो हमारे यहाँ से इंडिया से नासिक से आया था, तो मैंने उनको जस्ट पूछा कि आप इसका मुझे फीडबैक दे सकते हो या फिर कैसा लगता है आपको ये प्रोडक्ट, तो उन्होंने कहा कि आप वीडियो कितने चाहिए उतने ले लो बट मुझे इस वीडियो में नहीं लेना है। तो ही वॉज लाइक कि मेरे को मुझे फेस रिवील या फिर आई डोंट नो, मतलब वो लोग कंफर्टेबल नहीं आना है, काइंड ऑफ उनको उनकी प्राइवेसी मेंटेन करना ज़्यादा पैर, और वो लोग प्राइवेसी मेंटेन करते विच इज नॉट बैड। आई वुड से कि हमें ही ये टेक केयर करना है, अपने को आदत नहीं है, हाँ हमें ये आदत नहीं है, बट वही है ये चीज़ें हमारे यहाँ पे अच्छे नहीं है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो अगर आप कहीं पे फोटो ले रहे हो तो प्लीज़ कंसेंट लेके ही फोटो लेना है, ये मेरे लिए एक नई सीख है या कल्चरल शॉक था। उसने मुझे सिखाई है क्योंकि मुझे ये मैंने इसको भी बताई है क्योंकि ये अभी नया नया आया, तो मैंने इसको यही चीज़ बताई है कि ये चीज़ करो ना कि डायरेक्टली जाके किसी का फोटो। तो ये था, तो ये था हमारा एक सिनारियो या फिर जो हमने आज तक देखा उस हिसाब से टोटल समरी हमने जो बनाई है, कल्चरल डिफरेंसेस जो हमने आज तक महसूस किए। यस,
जो हमें कल्चरल शॉक्स यहाँ पे लगे जर्मनी में इंडिया से आने के बाद। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और आज का वीडियो आपको कैसा लगा आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर आपको भी कुछ कल्चरल डिफरेंसेस पता है जो हमको नहीं पता, तो आप भी जरूर बताइएगा। यस, जो हमने नहीं कवर याद रखेंगे, यस, जो हमने नहीं कवर किए इस वीडियो में, अगर आपको लगता है कि वो यहाँ आपको शॉकिंग लगे, या फिर आपके दोस्त या जो भी है रिश्तेदार फैमिली में हुआ, तो अगर आपको जो भी कुछ एक्सपीरियंस आया होगा तो वो भी शेयर करिए। यस, और हमने जो चीजें शेयर की है उसमें से आपको जो पसंद आई है, या हमारे यहाँ पे इंडिया में ये चीज़ होनी चाहिए, ये भी हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड वीडियो शूट करने के लिए मेरी वाइफ, थैंक यू, आपने हमारा बिहाइंड द कैमरा काफ़ी सपोर्ट किया हमको, झलक दिखा दी पीस। यस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड जय महाराष्ट्र।